बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम ब्रास्टैक्स की सर्वाइवल सीरीज में आपको ये बताएंगे कि आप अपना एक छोटा सा डेयरी फार्म या दुम्बे का फार्म या मुर्गियों और बत्तखों का फार्म किस तरह रख सकते हैं। देखिए, आजकल के दौर में जो सबसे बड़ा अजाब हमारी इस कौम पर है वो ये कि अब खाना हमें हलाल और तैयब नसीब नहीं हो रहा है। अल्लाह ताला ने हलाल रस खाने का तो कहा है, मगर साथ तैयब का भी हुक्म फरमाया है। जो दूध मार्केट में मिल रहा है वो तमाम का तमाम दूध ऐसा है जिसमें अक्सर में फॉर्मलिन मिला हुआ होता है, जिसमें गाय को स्टीरॉयड्स के इंजेक्शन दिए हुए होते हैं ताकि गाय का दूध ज़्यादा पैदा हो। उसकी वजह से गाय में इन्फेक्शन हो जाती है, फिर एंटीबायोटिक्स उसको लगाए जाते हैं, और फिर उस दूध को बचाने के लिए स्टीरॉयड बचाने के लिए फिर एंटीबायोटिक और फॉर्मलिन, इतना केमिकल दूध में होता है। और जो डब्बा पैक दूध आपको मार्केट में मिलता है वो सारी बड़ी कंपनीज भी फार्मर से ख़रीदती हैं, और जितने फार्मर्स हैं पाकिस्तान में सब अपनी गाय को भैंस को इंजेक्शन लगाते हैं, तो खालिस दूध अवेलेबल नहीं है। दूसरी जानिब जो मुर्गियाँ वाइट शेवर की मुर्गी आप खाते हैं उसका भी यही अजाब है, उसमें भी यही मुश्किल है, यही प्रॉब्लम है कि जो दाना आप देते हैं, जो चारा जो मुर्गियों को शेवर मुर्गियों को खुराक दी जाती है उसमें खून शामिल होता है, उसमें ओजड़ी शामिल होती है, मुर्दा मुर्गियों को चूरा करके दोबारा प्रोटीन्स के तौर पर उनको खिला दिया जाता है, कैनिबलिज्म है, मुर्गी को मुर्गी खिलाई जा रही है। तो इन सब चीज़ों की वजह से माशरे में आपने देखा है कि बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं बच्चों में। बच्चे वक्त से पहले बालिग हो रहे हैं क्योंकि ग्रोथ हार्मोन्स दूध को है, वो दूध जब बच्चे पीते हैं तो बच्चे वक्त से पहले बलूगत का शिकार होते हैं, और जो मासूम बच्चे हमारे घरों में हैं उनको तो नहीं मालूम कि उनको क्या दूध पिलाया जा रहा है, उनको क्या अंडे खिलाए जा रहे हैं, क्या मुर्गी का गोश्त खिलाया जा रहा है, जिसकी वजह से बीमारियां बहुत ज़्यादा आम हो गई हैं नौजवानों में, बच्चों में। तो रावलपिंडी इस्लामाबाद के पास हमारे कुछ दोस्तों ने मिलकर एक छोटी सी जगह, जैसे आप देख रहे हैं कोई बहुत ज़्यादा बड़ी जगह नहीं है, छोटी सी जगह ली उन्होंने, और पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, लोग 80-90% लोगों का ताल्लुक ज़मीन और फार्म के साथ है। शहरों में ये मुश्किल ज़रूर है, गांव देहात में तो आसानी है, लेकिन शहर में भी ये किया जा सकता है कि एक छोटा सा हमने एक्सपेरिमेंट करके हमारे दोस्तों ने देखा कि एक छोटी सी जगह ये ली, आपने देखा यहाँ पे उन्होंने कुछ गाय और कुछ बकरियाँ कुछ दुम्बे कुछ जानवर को रखे, और खालिस दूध 10-15 घरों को, जो फैमिली जिन्होंने मिलकर ये किया है, रोज़ खालिस दूध उनको घर पर पहुँचता है। जब उनको बकरा ख़रीदना होता है तो वो अपना दुम्बा अपना बकरा यहाँ ज़िबा करें, मुर्गियाँ और देसी अंडे यहाँ इस फार्म से उनको चले जाते हैं। तो पिंडी इस्लामाबाद के छोटे से एक कम्युनिटी से कलेक्टिवली एक कम्युनिटी फार्म बनाकर लोगों ने, हमारे दोस्तों ने एक अपने लिए इंतज़ाम कर लिया कि खालिस गोश्त, खालिस दूध, खालिस मुर्गी, खालिस अंडा उनको घर पे पहुंचना शुरू हो जाए। कि कम से कम ज़ाहिर है मुल्की सतह पे तो नहीं किया जा सकता जब तक हुकूमत ना करे, लेकिन कम्युनिटीज़ जो हैं अपने आराम से अपने इन्वायरमेंट में ये कर सकती हैं। आजकल जितनी भी हाउसिंग स्कीम्स बन रही हैं मिसाल के तौर पर, जितनी गेटेड कम्युनिटीज़ हैं वो सब ये कर सकती हैं कि 10-15 पाँच से भैंसें गाय अपने साथ रख कर, और वो सारी कम्युनिटीज़ ये कर सकती हैं कि अपने साथ वो एक छोटी सी गेटेड कम्युनिटी बना लें जिसमें आपके पास 10-12 भैंसें हों, 15-20-25 आपके दुम्बे हों, मुर्गियाँ 100-50 जिसका अंडे भी आपके पास आए, एंड इट इज़ ईजिली पॉसिबल। जैसे हमने कहा, ये हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा हमारे दोस्तों ने, एंड इट इज़ सो पॉसिबल फॉर देम। तो ये हम ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों को कहेंगे कि आप अगर कर सकते हैं ये तो लाजमन करें, आप अपने दोस्तों के साथ कम्युनिटीज़ मिलकर बैठें, और यू विल बी एबल टू डू इट। जो दूध आप बच्चों को पिला रहे हैं वो जहर है, जो शेवर मुर्गी आप खिला रहे हैं वो जहर है, और लाहौरी तो माशाल्लाह बड़े एक्सपर्ट हैं, लाहौरी दुम्बा तो उनको तो दुम्बे के नाम पर क्या खिलाया गया उसको मैं क्या कहूँ। बाज़ार से खाना ही बंद कर दिया हमने क्योंकि हमें शक होता है कोई लाहौरी दुम्बा ना खिला रहा है, उसका इलाज क्या है? इलाज ये है कि आप अपना दुम्बा रखें जो असली दुम्बा है, और किसी सूरत लाहौरी दुम्बा नहीं है ये। और सो दिस इज़ वन सजेशन, जिस तरह हमने आपको पहले बताया था पानी की हिफाजत, पानी बारिश का पानी बचाने का एक नज़ा, इसी तरह ये दूसरा एक प्रोजेक्ट जो है वो अपना डेयरी फार्म बनाइए, अपना पोल्ट्री फार्म बनाइए, अपना शीप फार्म बनाइए, बकरीद पर कुर्बानी करें, अपने एक दुम्बा ज़िबा कर लें, 4-5 घरों में तकसीम कर लें गोश्त इसका, कम्यूनिटी लिविंग कैन ईजिली बी मैनेज। तो ये तमाम पाकिस्तानियों को मैं कहूँगा कि अगर आप कर सकते हैं तो करें, गांव देहात में लोगों के लिए तो बहुत आसान है, शहर वाले भी कोशिश करें तो कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि ये फार्म जो है ये पिंडी इस्लामाबाद के आसपास में है, और 15-20 मिनट की ड्राइव पर आप शहर में आ जाते हैं और घरों को सामान और दूध और गोश्त और मुर्गी और अंडा पहुँचा दिया जाता है। अल्लाह पाकिस्तान का हाफिज़ नासिर हो, आने वाले वक्तों में
کوشش کریں کہ اپنی اولاد کو خالص حلال اور طیب رزق کھلائیں. جو گوشت مارکیٹ میں ہے حلال تو ہے طیب نہیں ہے. جو انڈا اور مرغی شیور آپ کو مل رہی ہے وہ حلال تو ہے طیب نہیں ہے. بچوں کو بیماریاں لگ رہی ہیں اس سے. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.